नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। बिहार के पटना स्थित सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को प्रतिष्ठित महावीर पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। पुरस्कार में आनंद कुमार को 10 लाख रुपए नकद एवं प्रशस्ति पत्र और एक स्मृति चिन्ह दिया जाएगा। 29 तारीख को चेन्नई के समारोह में उन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे और राज्यपाल ही आनंद कुमार को पुरस्कृत भी करेंगे। इससे पहले आनंद कुमार को 2017 में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा राष्ट्रपति बाल कल्याण पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। आनंद कुमार को नवंबर 2010 में शिक्षा के क्षेत्र में बिहार सरकार का सर्वोच्च पुरस्कार मौलाना अब्दुल कलाम आजाद शिक्षा पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। 2010 में ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP द्वारा बेंगलोर में यशवंत राव केलकराव युवा पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया था। आनंद कुमार को अप्रैल 2011 में यूरोप की पत्रिका फोकस द्वारा वैश्विक व्यक्तित्वों में से एक के रूप में चुना गया, जिनके पास प्रतिभाशाली लोगों को छोड़कर आकार देने की क्षमता है। उन्हें UK की पत्रिका मोनोकल द्वारा दुनिया के 20 अग्रणी शिक्षकों की सूची में चयनित किया गया था। आपको बता दें कि आनंद कुमार को ब्रिटिश कोलंबिया और कनाडा की सरकार द्वारा भी सम्मानित किया गया था। हाल ही में आनंद कुमार के लिए अन्य सम्मानों में गरीबों के लिए विशेष शिक्षण के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा सनलाइक अचीवमेंट अवार्ड एंड रियल हीरो अवार्ड मिले हैं। ऋतिक रोशन अभिनीत उनके जीवन पर एक बायोपिक भी बनी है, जो कि एक बड़ी सफलता थी और फिल्म के शक्तिशाली संदेश के कारण 8 राज्यों ने इसे टैक्स से मुक्त कर दिया था। हर साल दिया जाने वाला महावीर प्रतिष्ठित पुरस्कार भगवान महावीर फाउंडेशन की ओर से स्थापित किया गया है। इस फाउंडेशन की स्थापना 1994 में एन सुगलचंद जैन ने की थी। समाज में कमजोर लोगों के कल्याण के लिए निस्वार्थ सेवा कर रहे व्यक्तित्वों और संस्थानों की पहचान करने, उन्हें प्रोत्साहित करने और उनका सम्मान करने के लिए इस फाउंडेशन को स्थापित किया गया था। आपको बता दें कि आनंद कुमार पिछले 18 वर्षों से भारत के प्रीमियर IIT JEE के लिए एक वर्ष के आवासीय कोचिंग के माध्यम से 30 छात्रों को मुफ्त में प्रशिक्षण देने के लिए एक अत्यधिक नवीन सुपर 30 कार्यक्रम चलाने के लिए जाने जाते हैं। उनके संस्थान के सफलता की दर काफ़ी अच्छी रही है, जिसमें वंचित वर्गों के छात्रों को प्रीमियर संस्थानों में प्रवेश करके एक पीढ़ीगत परिवर्तन देखा गया है। आनंद कुमार की संस्था गांव के उन गरीब और मेधावी बच्चों को चयन करती है जो IIT परीक्षा क्वालिफाई करना चाहते हैं और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहते हैं। उनकी संस्था चयनित किए गए 30 बच्चों को मुफ्त में IIT की तैयारी कराती है। अपनी उपलब्धि पर आनंद कुमार ने कहा कि ये पुरस्कार और सम्मान उन्हें और बेहतर करने के लिए प्रेरणा देते हैं। उन्होंने कहा कि यह दर्शाता है कि समाज गरीबों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील है और कोई भी व्यक्ति उनके उत्थान के लिए बहुत कम प्रयास कर रहा है और वह अपने आप में एक बड़ी प्रेरणा है। उन्होंने यह भी कहा कि मुझे उम्मीद है कि मैं अपने काम को और अधिक जुनून के साथ जारी रखूंगा। बताते चले कि आनंद कुमार का शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनकी संस्था ने कई गरीब बच्चों के सपनों को पूरा करने में उनकी मदद की है। यही कारण है कि आनंद कुमार और उनकी संस्था सुपर 30 अक्सर चर्चा में रहती है। तो अभी के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज। धन्यवाद।